आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज 1। जनपद आजमगढ़ में इंडियन मुस्लिम सिविल राइट को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम सिविल राइट समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कांग्रेस सरकार में रहे मंत्री व वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद उपस्थित हुए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विपक्ष के एकजुटता पर कहा, छोटे दलों को एक साथ अभी इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि सबकी एक राय नहीं हो पा रही है। बीजेपी थोड़े ही है कि सबको एक लाइन में खड़ा करके बोले अटेंशन। नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और आखिरी बात ये कि वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्योंकि हम इंसानी हुकूम की बात करने के लिए जमा। मोहतरम साथियों और दोस्तों, अदीब साहब ये जो मुहिम लेकर के चले कि 21 को दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई जिसमें तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से 750 नुमाइंदे आए और उसमें यह तय किया गया आपको इल्जाम दें वो गलत होगा भैया। जो आवाम की और जो हमारे राष्ट्र की समाज की झलक है वो हर पार्टी में आती है। अब कोशिश हर पार्टी के कारकुन ये करते हैं कि उससे ऊपर उठकर मैंने जो बताया वो क्या था, मैंने ये कहा कि तलाक नहीं भी हो तब भी अत्याचार नहीं होना चाहिए ना? और अगर अत्याचार नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्या मतलब है तलाक हो रही है कि नहीं हो रही है? सरकार का कहना है कि मुस्लिम माता बहनों के साथ अत्याचार होता है। ये तो बोल रहे हैं जब अत्याचार नहीं हो तो तलाक में क्यों पड़ रहे हो? आप ये कहो कि अत्याचार नहीं होना चाहिए और उसमें हम सब तैयार हैं। यहाँ कोई नहीं कहता है कि मुस्लिम महिला के साथ अत्याचार होना चाहिए, लेकिन आप उसमें एक लेबल लगाते हो, तलाक का लगाते हो, एक लेबल लगाते हो, किसी और चीज़ का लगाते हो, क्यों लगाते हो? अत्याचार नहीं होना चाहिए, हम सब सहमत हैं। हर एक पूरा देश यही कहता है कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना। राहुल गांधी के जो है कि खिलाफ हाई कोर्ट जो किया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने जो किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं और मनु सिंह भी उस केस को कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उन्होंने किया था वो मेरे ख्याल से दो चार दिन के अंदर अपील तैयार हो जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। सर महागठबंधन की जो बात हो रही है उसको गठबंधन को लेकर तमाम क्षेत्रीय दल जो है वो एकमत नहीं हो रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग उनको एक कर रहे हैं? देखो क्षेत्रीय दल एकदम से एक दिन में एकमत कैसे हो रहे हैं? हम तो बीजेपी थोड़ी है, सबको बोलते हैं कि आज टेंशन सब लोग कहो हाँ, ऐसा नहीं है। तो आपस में बात किया है, किसी ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन मुझे यहाँ समस्या है, किसी ने कहा हम आपके साथ हैं मुझे यहाँ समस्या है, तो जहाँ जहाँ समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे, सब एक हो जाएंगे।